चलो सुनो, अपना तीन क्वेश्चंस पढ़ा हुआ है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. विल स्टार्ट अवे विद क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक यू ऑल हैव लेफ्ट द साइड्स फॉर दैट. आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहे हो. क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के लिए आप लोगों ने मेरे ख्याल से चार साइड वो छोड़ा था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. री रोलर मशीन होता है जो रोलिंग के लिए प्रोड्यूस 400 मेट्रिक टन्स ऑफ एमएस बार्स, दोज आर द स्टील बार्स. ओके, स्पेंडिंग 36 लाख रुपीज टुवर्ड्स मटेरियल एंड 6,20,000 टुवर्ड्स रोलिंग चार्जेस. तो कोई एक प्लांट है, कोई एक मशीनरी है, 36 लाख रुपए का मटेरियल कॉस्ट का खर्चा किया और 6,20,000 रुपए का खर्चा किया टुवर्ड्स द रोलिंग चार्जेस. ठीक है, 10% ऑफ द आउटपुट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव विच हैड टू बी सोल्ड एट 10% लेस द प्राइस फॉर द गुड प्रोडक्शन. वो लोग क्या बोलता है, जितना भी आउटपुट आया उसके से 10% जो था ना वो फॉल्टी था और उसको बेचेंगे तो सही बट एट अ लोअर रेट. लोअर रेट कितना, अगर नॉर्मल गुड्स का प्राइस 100 है तो ये वाला गुड्स किस प्राइस के ऊपर बेच दोगे, 90 रुपीज. ठीक है, आगे, इफ द सेल्स रियलाइजेशन शुड गिव द फर्म एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑन कॉस्ट. ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर मेट्रिक टन ऑफ बोथ द कैटेगरीज ऑफ बार्स. ठीक है, एक मिनट मेरे को बोलो, बोथ द कैटेगरीज ऑफ बार्स बोले तो, बोथ द कैटेगरीज ऑफ बार्स मतलब एक डिफेक्टिव जो 10% कम प्राइस के ऊपर वो बिकेगा और एक जो नॉर्मल वाला है. ठीक है, द स्क्रैप अराइजिंग ड्यूरिंग द रोलिंग प्रोसेस फेच्ड अ रियलाइजेशन ऑफ 60,000. वो लोग क्या बोलते हैं, बीच में प्रोडक्शन हो रहा था, कुछ ना कुछ स्क्रैप भी जनरेट हुआ. प्लीज, स्क्रैप एंड डिफेक्टिव्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. ये जो डिफेक्टिव है ना, ये आप मार्केट के अंदर बेच दोगे एज नॉर्मल गुड्स, ऑल्दो एट अ प्राइस विच इज 10% लोअर देन द प्राइस ऑफ द नॉर्मल गुड्स. वो एक चीज तो है ही है, लेकिन बीच में ना कुछ स्क्रैप वगैरह भी जनरेट हुआ जो आप बेच दोगे. ओके, और आपको मिल जाएगा कितना रुपीज यार, 60,000. ठीक है, आगे चलो, तो वी ऑल विल स्टार्ट नाउ. आपको करना क्या है, मेरे को तो सम से वही नहीं पता चला. फाइंड, कैपिटल वर्ड्स होंगे ही होंगे, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर मेट्रिक टन ऑफ बोथ द कैटेगरीज ऑफ बार्स. ठीक है, तो देखो, हम लोगों ने ना कल भी एक क्वेश्चन किया था जहां पे हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकालने का ट्राई किया था. ठीक है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, आप लोग क्या करो, सेल्स निकाल लो. ठीक है, एक बार सेल्स निकाल लेंगे, वी विल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. ऑल्दो यहां पे एक सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, यहां पे दो सेलिंग प्राइसेस आएंगे. ठीक है, अच्छा, पहले मेरे को जरा बोलो आउटपुट कितने टन्स का आया, आउटपुट कितने टन्स का आया, क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना था, 400. उसके अंदर से 10% डिफेक्टिव है और बाकी जो 90% है वो नॉर्मल है. नॉर्मल का प्राइस अगर हम लोग x रखेंगे, डिफेक्टिव का प्राइस हम लोग 0.9x मतलब 10% कम रख देंगे. ये वाली चीजें ना पहले लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर. ठीक है, तो यहां पे जरा लिखना, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स बी रुपीज एक्स पर मेट्रिक टन. देयरफोर सेलिंग प्राइस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स विल बी एक्स लेस 10% 0.9x. चलो सुनो, आगे चल रहे हैं. यहां पे टोटल आउटपुट इज
400 टन। उसके अंदर से नॉर्मल गुड्स और डिफेक्टिव्स। अच्छा मेरे को जरा बोलो डिफेक्टिव्स कितना है उसके अंदर? 10% ना, तो वो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 360। ठीक है, अच्छा सुनो, यहां पे ना कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह ऐसा वो कुछ भी नहीं है। दिस इज योर क्वांटिटी ओनली। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड भी है, क्वांटिटी सोल्ड भी है, तो आई एम सिंपली राइटिंग द क्वांटिटी। क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। मेरे को बोलो ये 360 यूनिट्स किस प्राइस के ऊपर बेचोगे? 8x ना, और ये कितने के ऊपर बेच दोगे? 0.9x। तो यहां पे अपना जो सेल्स है ना, इधर 360x का हो जाएगा, इधर 36x का हो जाएगा, तो इधर 396x हो जाएगा। अच्छा सुनो, लेकिन ये तो आंसर मेरे को x की फॉर्म में मिला, मेरे को x की फॉर्म के अंदर थोड़ी चाहिए बेटा, मेरे को तो आंसर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, अभी आप क्या करो, इस कंपनी का ना सेल्स ले आओ। सेल्स कैसे मिलता है सर? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखो अब मैं ओरली बात कर रहा हूं, देन आई विल राइट इट। कॉस्ट, सम के अंदर दो ही कॉस्ट हैं, मेरे को नंबर्स बोलो। सम के अंदर दो ही तो कॉस्ट दिए हुए हैं, दो नंबर्स बोलो। एक 36 लाख और एक 6,20,000। अब मैं तुमको कॉस्ट शीट वगैरह क्या बोलूं यार, ये इन चीजों के अंदर जस्ट एड अप योर कॉस्ट नो। ठीक है, एक 36 लाख, एक 6,20,000, लेकिन मेरा कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि बीच में कुछ स्क्रैप जनरेट होगा और स्क्रैप बेच के कितना रुपीस मिल जाएगा? 60,000। तो इतना जो मेरा मतलब मेरे को स्क्रैप बेच के जो पैसा वो मिलेगा, दैट विल गो टू रिड्यूस माय कॉस्ट एज सच। ओके, तो मैं बस वही वाली चीज कंप्यूट कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो यहां पे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले मटीरियल कॉस्ट, अच्छा मैंने कल एक लाइन बोला था, देखो मेरे को याद कराओ ना एक बार। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट डज नॉट मैटर ओनली व्हेन व्हेन देर आर नो स्टॉक्स। अगर स्टॉक ही नहीं होते तो ऊपर डालो या नीचे डालो क्या फर्क पड़ जाता है? ठीक है, डजंट मैटर एट ऑल। तो इसके लिए यहां पे स्टॉक्स नहीं है, सो नथिंग मैटर्स एक्चुअली। क्योंकि क्या हुआ, ये वाला चीज मैंने तुमको अभी अभी वो क्यों बोला है, मैंने तुमको ना एक क्वेश्चन करना जरा याद करो, वो बोला था अगर स्क्रैप बेच के पैसा मिलता है वो कॉस्ट शीट के अंदर किधर आएगा? मैंने तुमको बोला था कि बाद में बताऊंगा, यू ऑल रिमेम्बर दैट? यस सर, वो अभी भी नहीं बताऊंगा। ओके, वो अभी भी मैं बाद के अंदर ही बताऊंगा। ओके, क्योंकि क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताऊं कि किधर से लेस करने का, क्योंकि वैसे भी कोई स्टॉक नहीं है। ऊपर से लेस करो, नीचे से लेस करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। ऑल्दो जब भी स्टॉक होगा इट विल मैटर, क्योंकि माई वैल्यूएशन अमाउंट विल बी चेंजिंग। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद रोलिंग चार्जेस 6,20,000, लेकिन बीच में कुछ स्क्रैप जनरेट होगा। मेरे को लास्ट टाइम जरा बोलो, इज स्क्रैप एंड डिफेक्टिव सेम? नो, एक मिनट, एग्जाम्पल में पेन बनाता है, मैं पेन बनाता है, बीच में प्लास्टिक यूज होता है। ठीक है, जब भी प्लास्टिक को पेन के ना कन्वर्ट करेगा थोड़ा सा वेस्ट निकल जाएगा, उस वेस्ट को बेच के मेरे को स्क्रैप मिल जाएगा, दैट इज 60,000 रुपीज। लेकिन जो पेन्स बनेंगे ना उसके अंदर से 360 बराबर पेन बने, बाकी जो 40 है थोड़ा सा डिफेक्टिव है। ठीक है, लेकिन वो डिफेक्टिव भी आप मार्केट के ना बेच दोगे बेटा, वो पेन्स ही हैं। जो स्क्रैप होता है ना वो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं है, वो मार्केट के अंदर एज अ प्रोडक्ट नहीं बिकता, वो तो एज अ स्क्रैप बिकता है। ठीक है, तो यहां पे लेस स्क्रैप रिसीव्ड कितने रुपीस का बेटा? 60,000। फोर्टी वन लैख
40 / 60,000, तो ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। अच्छा, इसके ऊपर सामने अपने को बोला, देखो अपने को क्या चाहिए, इफ द सेल्स रियलाइजेशन शुड गिव द फर्म एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, सॉरी 12.5% ऑन कॉस्ट, तो अपने को प्रॉफिट मार्जिन कितने का चाहिए, 12.5%। सो एड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 12.5% ऑन कॉस्ट, तो इसका 12.5% मारो, 41,60,000, 5,20,000, तो ये आ जाएगा सेल्स 46,80,000। एक सेकेंड, बट दिस 46,80,000 शुड बी इक्वल टू कुछ, एक कुछ बोलो, दिस इज सेल्स नो, बट दिस सेल शुड बी इक्वल टू 396x ना, तो वो भी तो सेल्स ही था ना बेटा पूरी कंपनी का, तो यहां पे लिखो देयरफॉर 396x, वो भी सेल्स ही था, ये भी सेल्स ही है, x भी निकाल लेना दैट विल गिव यू प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स, और उसके बाद 0.9x भी निकाल लेना दैट विल गिव यू द प्राइस ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स, तो तुमको दोनों सेलिंग प्राइसेस मिल जाएंगे, ये वाला काम करो, कर लो, वो करेक्ट ही होएगा अभी तुम्हारा। ये हो गया बेटा सबका, yes, चलो सुनो, देखो अभी इस क्वेश्चन के ना शॉर्ट्स के अंदर तो ऑनेस्टली इट वाज देयर वाज नथिंग टू मेंशन, इफ देयर आर टू प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस एंड कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड सेपरेटली, तो आप इन गुड्स का और इन गुड्स का अलग अलग कॉस्ट वो कैसे वो निकालोगे, बनते तो इकट्ठे ही हैं, देन मेक इक्वेशन एंड कंप्यूट द सेलिंग प्राइसेस, हम लोगों ने वही वाला काम किया, ठीक है। चलिए This is all together done, okay. अभी ये अपना लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 वो मैंने बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 वो मेरा एग्जाम्पल है, उसके बेसिस के ऊपर कुछ एक फंडा पता चलेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर देंगे, ठीक है, एंड दैट बी द एंड ऑफ द थिंग्स। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18, दीज आर कॉस्ट शीट ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अभी तक ना सारे के सारे क्वेश्चन, जरा सोचो क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट एक ही प्रोडक्ट था एक्सेप्ट इन द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, कंपनी जो है एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और ना स्टॉक भी है उनके पास, तो अगर स्टॉक भी है तो जरा सोचो हर प्रोडक्ट का स्टॉक अलग अलग वैल्यू करना पड़ेगा, तो अब ना मेरे को कॉस्ट शीट कॉलमनर बनाना पड़ेगा, मतलब अगर सपोज दो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई, तो एक्स का कॉस्ट शीट अलग से, वाई का कॉस्ट शीट अलग से, लेकिन सम तुमको क्या करके देगा, सम तुमको ना एक्सपेंसेस कंबाइन करके देगा और तुमको उन एक्सपेंसेस को अलग अलग कर रहा है, बेसिकली तुम्हारा वही काम है और कुछ नहीं, ठीक है, तो उसके लिए मेरा एक डेमो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 18, अ कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ए एंड बी, वन यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 8 kgs व्हाइल वन यूनिट ऑफ बी विल रिक्वायर 10 kgs ऑफ रॉ मटेरियल, परफेक्ट, 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट ए कॉस्ट ₹6 व्हाइल 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट बी will cost ₹8. The company produced 100 units of A and 150 units of B. ठीक है? Find material cost for the period for the company. This question is only put to bring out some concept. ठीक है? तो वो examination का question नहीं है. तुम लोग ये वाला data लो sum के अंदर से.
मेरे को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को तुम लोग बस पूरी कंपनी का मटेरियल कॉस्ट का खर्चा कितना होगा तुम लोग वो बता दो, फिर उसके बाद मैं बता देगा कि ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने क्यों डाला है। ठीक है, कैलसी उठाओ या रफ के अंदर जाओ और कंप्यूट करो, आई विल जस्ट बी बैक इन अ मिनट। ए का मटेरियल कॉस्ट निकालना, बी का मटेरियल कॉस्ट निकालना और टोटल करना, मेरे को बस जो टोटल अमाउंट है वो मैसेज करो। चलो एवरीबडी इज करेक्ट ओनली, तो वील स्टार्ट इट ऑफ। ओके, जो आप लोगों ने किया हुआ है मैं भी एग्जैक्टली वही वाला काम करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है ये, प्रोडक्ट ए है प्रोडक्ट बी है, मैं यहां पे कंपनी लिख लेता हूं। ठीक है, तो ए बनाने के लिए रॉ मटेरियल का कितना केजीस पर यूनिट चाहिए, तो कितना केजीस पर यूनिट चाहिए, 8 and 10 इनटू कॉस्ट पर केजी। तो ए के लिए जो प्रोडक्ट, सॉरी जो प्रोडक्ट ए है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा सा सस्ता है, 6 रुपए का पड़ता है। बी के लिए जो मटेरियल है थोड़ा सा महंगा है, वो 8 रुपए का पड़ता है। तो अगर कोई मेरे को ऐसे पूछता, एक यूनिट ऑफ ए बनाएगा सर उसके लिए मटेरियल कॉस्ट कितने रुपीज़ का लग जाएगा, तो मैं बोलेगा 48, इधर बोलेगा 80। ठीक है, आगे इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट इज डिपेंडेड अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, तो इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस जो था इधर 100 था इधर 150 था, तो सब लोग का जो आंसर आया वो करेक्ट ही था। रॉ मटेरियल कॉस्ट दिस इज 4800, दिस इज 12000, यहां पे लिखना 16800। सुन, अभी ऐसा एक्सट्रीम फालतू क्वेश्चन, एक्सट्रीम फालतू, हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों डाला। ठीक है,
अभी ध्यान से सुनना जरा प्लीज, जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आएगा ना, और ये वाला प्रिंसिपल तुमको बहुत क्वेश्चंस के अंदर काम में आएगा, ये वाला चीज तुमको एफएम के अंदर भी बहुत काम में आएगा। तो एफएम करके एक सब्जेक्ट है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पर भी बहुत काम में आएगा। सुन अभी यहां पर क्या होने वाला है, बराबर से सुना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ना, तुमको ये वाला कॉस्ट दिया जाएगा, पूरी कंपनी का मटेरियल कॉस्ट तुम लोग को दिया जाएगा, और तुमको बोला जाएगा कि आप लोग ना ए और बी का कॉस्ट अलग अलग कर लो। ओके, तो अब जरा सोचो, अगर मेरे को ये वाला चीज कभी दिया हो 16,800 और ऐसा बोला हो कि ना मटेरियल कॉस्ट पूरी कंपनी का 16,800 है और कंपनी दो प्रोडक्ट्स बनाता है ए और बी, ये 16,800 को ब्रेकअप करके दो, ठीक है? तो मैं ब्रेकअप कैसे करूं? अगर कभी सम मेरे ऊपर मेहरबान हुआ, इफ द क्वेश्चन बिकम्स माय वाइफ ओनली, ठीक है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस दे माइट गिव मी दिस ब्रेकअप ओनली डायरेक्टली, ठीक है? तो फिर तो चलो कुछ डिस्कशन वाला कुछ बात ही नहीं है फिर, ठीक है? सो दैट टाइम दे हैव गिवन यू द ब्रेकअप, ठीक है? अगर ऐसा सामने बोल दिया 16,800 का ब्रेकअप 4,800 है और 12,000 है, फिर मैं क्या डिस्कशन करूं तुम्हारे साथ, ठीक है? ऑब्वियसली सम ऐसा नहीं करने वाला, वो ब्रेकअप तुमको निकालने का है। तो अब जरा सोचो, अगर इन फिगर्स के बदले में अगर सम ने तेरे को एक ऐसा चीज बोला, डिवाइड टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ 48:120, तुमको समझ में आएगा कि वो वाला काम करना भी उतना इजी है, यस और नो? अगर उन लोगों ने एक्चुअल अमाउंट्स के बदले में मेरे को रेशियो दे दिया, मेरा काम हो ही गया ना फिर, करेक्ट नो? हाँ सर। सब लोग प्लीज बोल दो। ओके ओके, तो सुनो, अगर सपोज 16,800 का सामने मेरे को ब्रेकअप दे दिया 48:120, तो फिर तो चलो मेरा काम हो ही गया, ठीक है? प्रॉब्लम तब आएगा जब सामने ना मेरे को ब्रेकअप दिया ना मेरे को रेशो दिया, ठीक है? तो सामने मेरे को दोनों चीजें नहीं दी लेकिन फिर भी बोला ब्रेकअप करो, तो ब्रेकअप करने के लिए मेरे को कुछ और तो चाहिए रहेगा। तो सामने क्या किया, जरा ध्यान से सुनना, मेरे को ना रॉ मटेरियल इन केजीज पर यूनिट का एक्चुअल डेटा तो नहीं दिया लेकिन यह बोल दिया कि रॉ मटेरियल इन केजीज फॉर ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो उन लोगों ने ये दोनों नंबर्स नहीं दिए मेरे को लेकिन उसके बदले में उसका रेशियो दे दिया, उसके बाद इनटू कॉस्ट पर केजी, 6 और 8 नहीं दिया, उसका रेशियो दे दिया 3 और 4, ठीक। उसके बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 48 और 80, ये वाला जो चीज है ना अभी उनको देने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे को वो वाला रेशियो खुद ब खुद मिल जाए। तुमको समझो जो मैंने बोला, yes, अगर मैं 4:3 करूं तो 12 आएगा, 5:4 करूं तो 20 आएगा, इतना समझ में आता है? दिस रेशियो इन दिस रेशियो इज सेम ओनली, नो? चलो थैंक यू, आगे आगे इनटू उन लोगों ने मेरे को ना क्वांटिटी प्रोड्यूस का जो है नंबर्स नहीं दिए लेकिन रेशियो दे दिया, ठीक है? रेशियो जो है इन दिस पर्टिकुलर केस उन लोगों ने बोल दिया इज इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो बस मेरा काम खत्म हो ही गया। सो देयरफॉर ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 60। तो तुमको समझ में आएगा 16,800 इफ आई डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 24:60 आई विल गेट द सेम आंसर्स, नो? इंस्टेड ऑफ गिविंग मी फैक्चुअल नंबर्स, इवन इफ दे गिव मी रेशियोज, माई जॉब इज डन ओनली ना यार, ठीक है? तो इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी इसके ना दिक्कत क्या है, तो सर ये तो बहुत सिंपल है जो आपने सिखाया, दिक्कत ये है, ध्यान से सुनना, दिक्कत तुमको अब बोल रहा हूं। देखो वो लोग ना तुमको 16,800 दे देगा, ठीक है? और वो लोग बोल देगा 16,800 का ब्रेकअप करो, ठीक है? और उसके बाद सम तुमको कुछ और इंफॉर्मेशन देगा। तुमको क्या सोचने का है कि सर टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंपनी को कैसे मिला होएगा? टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंपनी को जैसे मिला होएगा ना, जिन जिन चीजों को कंपनी ने मल्टीप्लाई किया रहेगा ना, तुम लोग वो चीजों की रेशियोज को मल्टीप्लाई करो, एक फाइनल रेशियो लेके आ जाओ और उस रेशियो के ना डिवाइड कर लो। तुमको समझा जो मैंने बोला? यस सर।
एग्जाम्पल टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, में मेरे दिमाग में सोचता हूं टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंपनी को कैसे मिलता है? सर टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऐसे मिलता है सर, कंपनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालता होगा पहले, और उसके बाद उसको क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर देता होगा, ठीक है? तो तुम लोग क्या करो, सम के अंदर अभी ढूंढो क्वांटिटी प्रोड्यूस का रेशो कितना है, वो लोग तुमको कुछ ना कुछ तो देगा, जैसे मेरे इस एग्जाम्पल के ना 2:3 था। फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट का रेशो देख लो, वो लोग कुछ ना कुछ तो देंगे। कोई बोलता है नहीं दिया तो, नहीं दिया तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। फिर तुमको एक और चीज भी सोचना पड़ेगा, यार डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट का रेशो नहीं दिया, तो फिर अब जरा ये सोचो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ रहेगा, कंपनी ने किन किन चीजों को मल्टीप्लाई किया रहेगा, तुम एक बोलो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो कैसे आ रहेगा, बोलो ना यार। कंपनी ने केजीस पर यूनिट लिया होगा, आगे बोलो और उसको कॉस्ट पर केजी से मल्टीप्लाई किया रहेगा। ओके, अगर कंपनी ने तेरे को यही वाला रेशो दे डाला तो फिर इसके ऊपर वाला डेटा सोचने की जरूरत नहीं है। तुमको समझा जो मैंने बोला? लेकिन अगर कंपनी ने ये वाला डेटा नहीं दिया तेरे को, तो फिर तू इसके ऊपर वाला डेटा भी तू सोच ले, तो फिर वो लोग तुमको बताएगा भाई केजीज पर यूनिट इज इन व्हाट रेशियो, कॉस्ट पर केजीज इन व्हाट रेशियो, ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना, फाइनल रेशियो जो है तो वो आ जाएगा, उसको क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर लो, एक फाइनल रेशियो आ जाएगा, उस रेशियो के ना डिवाइड कर लेना, ठीक है? जो डिफिकल्ट पार्ट है वो हमेशा ये है कि तुमको सोचना पड़ेगा ये 16,800 ये वाला कॉस्ट है, अगर वो ये वाला कॉस्ट है तो ये वाला कॉस्ट कैसे आ रहेगा, कंपनी ने किन किन चीजों को मल्टीप्लाई किया रहेगा। जिन चीजों को कंपनी ने मल्टीप्लाई किया रहेगा तुम लोग उनकी रेशियोज को लेकर मल्टीप्लाई कर देना, बस एक फाइनल रेशियो आ जाएगा, डिवाइड द थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर रेशियो। मेरे को बोलो थोड़ा बहुत तो समझा व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं था, ये बस एक डेमो था, तुमको समझा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करने का अपने को? चलो ठीक है, तो हम लोग ठीक है, थैंक यू ओके। क्वेश्चन नंबर 19 से वी ऑल विल स्टार्ट नाउ, ठीक है? अपना लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। मेसर्स बाटा शू कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ शूज ए एंड बी। आगे प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड आर एस फॉलोज। एक मिनट, ये वर्ड चिल्ला के बोलो प्रोडक्शन कॉस्ट। ये मैं तुम लोग को अभी क्यों पूछा, मैं तुमको एक मिनट के बाद बोलता हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स। अभी एडमिन ओवरहेड्स के इधर कुछ नहीं लिखा, आर दे रिलेटेड टू प्रोडक्शन और दे आर जनरल, तो तुम लोग क्या बोलोगे ये क्या है? जनरल। मैं मर जाऊं आज ही यहां पर वही लिखा हुआ है दीज आर प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब दीज आर एडमिनिस्ट्रेशन विच आर रिलेटेड टू, बोलो प्रोडक्शन। ओके सुनो, assumption is to be made when sum is not clear, not when you are not clear. Was sum not clear? Sum is clear, no? Sum बोलता है भाई these are production cost, तुमको नहीं पता चला तो that is your problem. आगे direct material 1,500,000, direct wages 8,40,000, production overheads and admin overheads. There was no WIP at the beginning or end of the year. तो इस question के ना कोई WIP stock नहीं है। It is ascertained that direct material in type A shoes consists twice as much as in type B shoes. तुम लोगों ने कुछ दिमाग में सोच लिया है, जो भी सोचा है वो बाद में देखेंगे। Direct wages for type B shoes were 60% of those of type A shoes. Production overheads was same per pair for A and B type. Administration overheads are considered to vary with direct wages. Production during the year, A 40,000 pairs of which 36,000 were sold, B 1,20,000 of which 1,00,000 were sold. अच्छा एक सेकेंड, मैं एक एडजस्टमेंट पीछे जा रहा हूं, देखो एक और हिंट भी मिला मेरे को, देखो इधर क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड टू वेरी विद, चिल्ला के बोलो विद डायरेक्ट वेजेस, मेरे को बोलो आर डायरेक्ट वेजेस डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड, प्रोड्यूस्ड, तो मतलब इफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरिंग विद डायरेक्ट वेजेस
एंड डायरेक्ट वेजेस आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन, मतलब एडमिन इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन, नो? मतलब दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन. समझा तुम लोगों को सेकेंड हिंट? अच्छा आगे ई. प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर वॉज ए 40,000 पेयर्स ऑफ विच 36,000 वर सोल्ड. मतलब देखो यहां पे ना कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है. प्रोडक्ट ए का 40,000 पेयर बनाया, उसके अंदर से 36,000 वर सोल्ड. और अगर कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो कैन वी से डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक विल बी 4,000 यूनिट्स. एंड फॉर प्रोडक्ट बी इट विल बी 20,000. ओके दैट इज 1,20,000 माइनस 1,00,000. ठीक है आगे. सेलिंग कॉस्ट वॉज 1.5 पर पेयर. सेलिंग कॉस्ट बोले तो S&D. आगे सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस वॉज 44 फॉर ए एंड 28 फॉर बी. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट. तो आपको कॉस्ट एंड प्रॉफिट ही निकालना है तो कॉस्ट शीट बना लेंगे और क्या. ठीक है. शॉर्ट्स देखना पाप है इस क्वेश्चन का. ओके पाप मत करो. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं. ठीक है लिखिए जरा प्लीज. पहले मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना स्टॉक आया क्या? फिनिश गुड्स का स्टॉक आया? सुनो 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 एक काम किया करो फॉर फ्यूचर. मेरे एक्सप्रेशंस पर कभी मत जाना. मेरे एक्सप्रेशन से आंसर राइट है कि रॉन्ग है पता नहीं चलता. द डे दैट आई गॉट मैरिड नो वन न्यू इन लाइफ आई वॉज हैप्पी और सैड. ओके सो आई एम एक्सप्रेशन लेस इन एवरीथिंग. ओके स्टॉक है इस क्वेश्चन के अंदर? थैंक यू. ठीक है तो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट डज इट मैटर येस और नो? यस क्योंकि तुम लोग अभी S&D को फर्स्ट आइटम नहीं लिख सकते. योर स्टॉक्स विल चेंज ना यार. ओके तो हम लोग यहां पे ना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट वाइज बनाएंगे क्योंकि मेरे को ए का स्टॉक अलग से कंप्यूट करना पड़ेगा बी का अलग से. ठीक है तो यू ऑल राइट डाउन प्लीज लिखो क्वेश्चन नंबर 19. कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March. ईयर अपने को नहीं दिया हुआ तुम्हें नहीं लिख सकता. प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी टोटल या फिर टोटल के बदले में ना एक काम जरा करो कंपनी लिख दो चलेगा क्योंकि यहां पर मेरे को टोटल वर्ड लिखना है. टोटल पर यूनिट टोटल पर यूनिट यहां पे रुपीस डाल देना बस. एक मिनट रुको सॉरी यू ऑल हैव नॉट रिटन दिस आई होप सो टिल नाउ. ठीक है एक काम जरा करो सुनो यहां पे ना ये लिख लेते हैं क्योंकि बाद में वो लिखेगा तो अजीब लगेगा. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्योंकि हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर हमेशा लिखते थे तो मेरे को वो हैबिट कंटिन्यू करनी है. क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ठीक है ये बनाओ तुम लोग. यहाँ पर एक टोटल वाला कॉलम एक पर यूनिट कॉलम टोटल कॉलम पर यूनिट कॉलम और उसके बाद रुपीस करके लिख दो बस.
चलो सुन, मैं पहले ना सिर्फ फॉर्मेट ही बना रहा हूं और कुछ नहीं बना रहा हूं, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल 15 लाख, लास्ट कॉलम में डालना, ऑब्वियसली वो टोटल फिगर है। डायरेक्ट वेजेस 8,40,000, प्राइम कॉस्ट 23,40,000, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होता है बेटा, 3,60,000, 27 लाख, दिस विल बी फैक्ट्री कॉस्ट ओनली, एड एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम राइटिंग इन ब्रैकेट प्रोडक्शन मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, 12,60,000, दिस इज सी ओ पी 39,60,000, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मैं लिख देता हूँ, ऑल दो वो है ही नहीं तो मेरे को नीली लिखना पड़ेगा, बट जस्ट आई एम राइटिंग ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर रहे, लेस ओ एस और सी एस जो टर्म्स है ना, प्लीज एग्जाम्स के ना मत यूज करना, वहां पे लिखना एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अपना क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात हुआ बेटा, 4,000 यूनिट प्रोडक्ट ए का, 20,000 यूनिट प्रोडक्ट बी का, यहां पे एक लाइन छोड़ देना, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जितना भी आएगा हम लोग लेस करेगा, दिस विल गिव यू सीओजीएस। इस सम के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट, गेट सेल्स, जब ये हो जाए मेरे को बता दो बेटा। चलो सुनो, चलो सुनो मेरी बात, देखो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी सोल्ड का डेटा है बेटा, एडजस्टमेंट नंबर ई के ना, प्रोडक्शन फॉर द ईयर 40,000 पेयर्स, ऑफ विच 36,000 वर सोल्ड, बी के लिए 1,20,000 पेयर्स, ऑफ विच 1,00,000 वर सोल्ड। ठीक है, चलो सुनो, देखो मैं ना तुम्हारे साथ इजी काम पहले खत्म कर रहा हूं, सेल्स के लिए क्वांटिटी सोल्ड चाहिए। सर क्वांटिटी सोल्ड तो अपने पास पड़ा हुआ है, सर क्वांटिटी सोल्ड के साथ अपने को सेलिंग प्राइस चाहिए, तो बेटा सेलिंग प्राइस भी तो है ना तेरे पास क्वेश्चन के अंदर, तो एक मिनट, ए का सेलिंग प्राइस 44 है तो हम लोग यहीं पर 44 लिखते हैं, बी का सेलिंग प्राइस 28 है तो 28 लिख लेते हैं। मेरे को बोलो ये तो सेलिंग प्राइसेस है ना, एक एक यूनिट इस प्राइस के ऊपर बेचते हो, मेरे को जरा बोलो टोटल सेल्स तक पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, क्वांटिटी प्रोड्यूस के क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड तो करो, तो करो ये वाला अमाउंट लाओ, ये वाला अमाउंट लाओ, दोनों का टोटल मार के लास्ट वाला अमाउंट लेके आओ,
15,84,000, this is 28 lakhs, this is 43,84,000, ठीक है, आगे देखो, मैं इजी चीजें पहले खत्म कर रहा हूं, मेरा एडजस्टमेंट नंबर जी हो गया, सेलिंग कॉस्ट वॉज 1.5 पर पेयर, मतलब चाहे आप लोग टाइप ए शूज बेचो चाहे आप लोग टाइप बी शूज बेचो, एस एन डी कॉस्ट 1.5 ही है, तो 1.5 वो लिख लो, मैं बोलो एस एन डी टू गेट द टोटल, यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, सोल्ड, तो 1.5 इंटू 36,000, तो 54,000, 1,50,000, 2,40,000, चलो सुनो, जैसे ही तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट का ब्रेकअप हुआ, लेबर का ब्रेकअप हुआ, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का ब्रेकअप हुआ तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, एडमिन का ब्रेकअप हुआ तो सीओपी आ जाएगा, साथ में पर यूनिट वाले भी फिगर्स आ जाएंगे। ये वाला फिगर तुम लोग इधर कॉपी करोगे, 4000 से मल्टीप्लाई करोगे और ये वाला अमाउंट आ जाएगा। सबको कॉस्ट शीट याद है पहला दो लेक्चर? ठीक है, तो ये वाला अमाउंट इधर कॉपी करोगे, 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और ये वाला फिगर आ जाएगा। जैसे ये वाला काम हो जाएगा तुम्हारा सीओजीएस आ जाएगा, मेरे को बोलो सीओजीएस, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर जब आ जाएगा पर यूनिट लाने के लिए, किससे डिवाइड करते हो, क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड, सोल्ड, बस। और एक बार ये भी तुम्हारा काम हो गया, उसके बाद इन दिस केस आई थिंक जॉब विल बी ऑल टुगेदर फिनिश, सीओ एस भी मिल जाएगा और उसके बाद तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो भी आ जाएंगे। तो बेसिकली मेरे को तुमको चार ही चीजें करवानी है, चार एक्सपेंसेस हैं उनका ब्रेकअप। तो एक काम जरा कर लो, यहां पे लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3 और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन वर्किंग नोट नंबर 4। तो वर्किंग नोट नंबर 1 डायरेक्ट मटीरियल, पांच लाइन छोड़ो, वर्किंग नोट नंबर 2 डायरेक्ट लेबर, पांच लाइन छोड़ो, वर्किंग नोट नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड्स, पांच लाइन छोड़ो, वर्किंग नोट नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बस सुन, अभी तुम लोग क्या करना, तुम लोग एडजस्टमेंट नंबर ए पढ़ोगे और ये पढ़ने के बाद तुमको मेरे को कुछ ना कुछ बोलने का बहुत ज्यादा मन करेगा, मत बोलना, तुम लोग बस पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर ए, घूर घूर के पढ़ो सब लोग, घूर घूर के, पढ़ लिया सब लोगों ने, अभी वो मगअप तो करना नहीं है। तुम्हारे दिमाग में क्या नंबर आया? 5:10:2:1 तो मेरे को बोलो 15 लाख का ब्रेकअप क्या होएगा? 5,10,000 के 10 लाख 5 लाख 5 लाख 10 लाख के 10 लाख 5 लाख आराम से। अभी क्या करो, सुनो सुनो सुनो, अभी तुम लोग क्या करो, ये सेम लाइन ना चार बार पढ़ो, चार बार, और फिर मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। चार बार पढ़ो, मेरे को पता चल जाएगा कि तुम लोग कैसे आंसर वो करेगा, कि चार बार पढ़ा है कि नहीं।
पढ़ लिया, पढ़ लिया, चलो ठीक है। अभी सुनो कार्टून सुनो, अभी तुम लोग मेरे को एक चीज जरा बोलना, मेरा इस क्वेश्चन के अंदर जो काम है ना, आई हैव टू डिवाइड टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 15 लाख रुपीस अमंग माई टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। ठीक है, अपना काम वो है, अपने को उसका बाइफर्केशन चाहिए सर। ठीक है, जब तुम लोगों ने ये वाला लाइन पढ़ा, जब तुम लोगों ने ये वाला लाइन पढ़ा, डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप ए शूज कंसिस्ट एज मच एज इन टाइप बी शूज, कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज इन टाइप बी शूज, तो मेरे को जरा बोलो तुम्हारे दिमाग के अंदर इन दो में से क्या थॉट आया। तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली गलत थॉट आ चुका है, बट स्टिल आई एम आस्किंग। चलो सर, जितना मटेरियल टाइप ए के एक पेयर के अंदर है ना, दैट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू जितना टाइप बी के अंदर है। ये एक थॉट, ये एक थॉट। दूसरा, सर आप क्या बोलते हो सर, नहीं 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 सर, जितना टोटल मटेरियल टाइप ए ने कंज्यूम किया ना फॉर द एंटायर प्रोडक्शन, दैट इज डबल एज कंपेयर टू जितना टोटल मटेरियल बी ने कंज्यूम किया है। तुमको दोनों के ना फर्क समझा? दोनों के ना फर्क क्या है मेरे दोनों लाइंस के अंदर? कोई ऐसा सर, आपने तो सेम ही तो लाइन बोला। ऑब्वियसली नॉट, मैंने दो अलग अलग लाइन बोला। एक पैर और दूसरा पुराना। फर्स्ट केस के अंदर मेरे को बोलो, ये जो 2:1 का रेशियो है ना पागल लोग, ये पर यूनिट रेशियो है के टोटल रेशियो है? सोच के बोलना। अभी अच्छा, जो बोलता है टोटल, मेरे को बताओ तुमको कैसे मालूम कि टोटल? अपना जो अंग्रेजी यू ऑल वांट टू टेल मी यू ऑल कैन प्लीज, अगर तुमको यहां से कोई हिंट वगैरह मिलता है। अच्छा, पर यूनिट स्पेसिफाई किया होता, लेकिन फिर टोटल भी तो स्पेसिफाई किया होता नहीं? नीच लिखा होता ना सर, अगर टोटल बाय डिफॉल्ट होता है ना सर, बाय। अच्छा ओके, चलो कोई कुछ और बोलना चाहता है कि सर ये तो पर यूनिट ही है सर, पहले मैंने गलत सोचा था, कोई ऐसा बोलना चाहता है? हाँ तो बोल। तो तेरे को कैसे वो पता चल गया? वो दूसरा बंदा तो बोलता है कि ऐसा नहीं, तो तेरे को कैसे पता चल गया? कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना मैडम। बोला था ना कि एक पैर की बात, मतलब एक पैर में जितना मटेरियल जा रहा है। लेकिन जो आप वर्ड्स बोल रहे हो वो सम के अंदर तो नहीं लिखे हुए बेटा, जो आप वर्ड्स बोल रहे हो, मैंने तो तुमको दो ऑप्शन दिया था। ये लाइन पढ़ के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है तुमको मेरे को वो बताने का था, मैंने तो दोनों ऑप्शन दिया था। तो तेरे को क्यों लग रहा है कि ये वाला डेटा पर पैर का डेटा है, किधर लिखा तो नहीं हुआ? अच्छा कोई मेरे को पूछ सकते, सर आप ये फालतू क्वेश्चन हमसे क्यों पूछ रहे हो, आंसर लेके आओ। मेरे को पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लोग बोलते हो सर वो जो 2:1 है ना वो टोटल रेशियो है, तो फिर 15 लाख को 2:1 के ना डिवाइड कर देगा। कोई ऐसा भी बोल सकता है, नहीं सर क्या बोलते हो सर, वो जो 2:1 है ना सर वो पर यूनिट रेशियो है सर, तो फिर ये वाला आंसर 2:1 नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट का रेशियो है और 15 लाख तो टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। मेरे को जरा बोलो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए किसे मल्टीप्लाई करोगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस के क्वांटिटी सोल्ड? ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस तो 40,000 है और 120,000 है, तो मतलब ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3, तो फिर फाइनल रेशियो 2:3 हो जाएगा। अगर तुम लोग ऐसा बोलते हो सर वो पर यूनिट रेशियो है, तो तुम्हारा टोटल रेशियो 2:3 आएगा।
अगर तुम लोग ये बोलते हो कि वो सर टोटल रेशियो ही है, फिर तो इधर ही 2:1, तुमको समझा जो मैं बोल रहा हूं? मेरे को तुम्हारा आंसर जो है ना, तुम लोग हर एक चीज के लिए यस ही बोलते हो, ठीक है, लेकिन अभी दोनों कैन नॉट बी करेक्ट। ये एक ऑप्शन है, दूसरा जो तुम लोगों ने वो पहले बोला था, सर आप कॉम्प्लिकेट मत करो, 15 लाख का ब्रेकअप लोन ही हैपन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो मेरे को जरा बोलो कि वो जो 2:1 है वो पर यूनिट रेशियो है कि टोटल रेशियो है? जल्दी बोलो अभी, पर यूनिट। अभी दो लेडीज ने बोला कि पर यूनिट, पर यूनिट कैसे? सम के अंदर तो नहीं लिखा हुआ मैडम लोग? ऑल्दो जब मैं किसी को ये क्वेश्चन वो पूछता हूं ना, दे ट्राई टू बी सेइंग सर सामने ये भी नहीं लिखा कि टोटल रेशियो, सामने ये भी नहीं लिखा कि टोटल रेशियो। तो सर आपकी जो मर्जी आप अज्यूम करो। सर मेक द अजम्पशन व्हेन सम इज नॉट क्लियर, सर पर यूनिट है। अभी तेरे को कैसे सपना आ गया, बोल सर? डायरेक्ट मटेरियल है ना। हाँ आगे बोल, सुनो बस, वो ये करेक्ट आंसर है। अगर मैं तुम्हारे बदले में होता ना, मेरे को ऑनेस्टली 5 सेकंड भी नहीं लगता टू थिंक द करेक्ट आंसर। एक तो मेरा इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, सेकंड आई थिंक इन अ रैशनल वे। सुनो अभी मैं बोलता हूं, तुम्हारा चांस खत्म। डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप ए शूज, कोई बोलते है सर शूज लिखा है, सर शूज लिखा है, मेरा अंग्रेजी बहुत अच्छा है बेटा, शूज इसलिए लिखा है बिकॉज इन वन पेयर देर आर 2 शूज, ठीक है। आगे कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज इन टाइप बी शूज। जब मैं ये वाला लाइन पढ़ता हूं ना, जब मैं ये वाला लाइन पढ़ता हूं, ऑनेस्टली मेरे दिमाग में ये वाला चीज आता है कि अगर टाइप बी शूज का एक पेयर बनाएगा और उसके अंदर कुछ मटीरियल जाएगा, और अगर टाइप ए का एक पेयर बनाएगा और उसके ना मटेरियल जाएगा, तो इसके ना जो मटेरियल जाएगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस। मेरे दिमाग के अंदर जो पिक्चर आएगी ना, वो एक एक पेयर के लिए आएगी। बोलते सर आपके दिमाग में एक एक पेयर की आई, अपने अंदर वो टोटल आ गई, नहीं पर पेयर की आनी चाहिए। क्यों? एज दैट गाय हैड टोल्ड, सर ये डायरेक्ट मटेरियल है, अपना परसों ही बात हुआ था, उनको डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के लिए कभी मेरे को कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोगों ने किया भी था, इसलिए आई एम गोइंग बैक। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर पर यूनिट कॉस्ट बेटा, उनकी डेफिनेशन के अंदर ही है। दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं ना एक एक यूनिट के लिए ही लगते हैं, दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, जब भी सपोज अगर मैं तुमको वो वैसे ही बोलूं, एक बेकार एग्जाम्पल, ठीक है, अभी मेरे को दो चीजें चाहिए विच आर बिट सिमिलर। चलो ठीक है, मेरा एक कंपनी है जो रिमोट्स भी बनाता है और जो कैल्सीज भी बनाता है, ठीक है। मैं तुमको एक लाइन बोल रहा हूं, मेरे को बोलना तुम्हारे दिमाग में क्या आता है। जितना प्लास्टिक रिमोट के लिए लगता है दैट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू जितना कैल्सी के लिए लगता है। अगर मैं तुमको ऐसा डेटा दूं, मतलब मैं सारे यूनिट्स ऑफ रिमोट और सारे यूनिट्स ऑफ कैल्सी का इकट्ठा बात कर रहा हूं कि एक एक यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं, बोलो। हाँ तो एक एक यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो ऑब्वियसली मैं तुमको ये बता रहा हूं कि जितना माल इसके लिए लगता है रिमोट के लिए दैट इज डबल एज कंपेयर टू दिस। और मेरे को सबको बताने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कौन सा कॉस्ट है, बोलो मेरे को कौन सा कॉस्ट है ये? डायरेक्ट कॉस्ट बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट इटसेल्फ मींस इट इज डायरेक्टली इनकर्ड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। तो लास्ट टाइम अभी मेरे को बोल देना, वरना ऑनेस्टली पता नहीं मेरे साथ क्या होएगा। मेरे को बोलो ये आंसर और ये आंसर विच इज करेक्ट, फर्स्ट वन। तो तुम्हारा ये वाला जो रेशियो है वो 2:1 है, एंड ऑब्वियसली वो पर यूनिट रेशियो है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तुमको समझा ये वाला चीज? ये करो पहले, ये करो पहले, ये वर्किंग नोट वन अपना बनाओ पहले। नहीं बेटा, क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग होएगा, तो कैसे ट्वाइस ट्वाइस होएगा? तेरे को इधर 2:1 दिखाई दे रहा है, इधर 2:1 तो आ रहा है क्या बेटा? दैट इज इटसेल्फ अ प्रूफ नो दैट इट विल बी डिफरेंट, नो?
अगर किसी के अंदर कम माल जाता है लेकिन अगर उसकी तो क्वांटिटी ज्यादा बनाएगी तो अल्टीमेटली उसके अंदर तो ओवरऑल मोर क्वांटिटी विल गो नो. देख जो बी बी के साथ हो रहा है, तुम बी के लिए हर यूनिट के लिए मटेरियल का खर्चा कम कर रहे हो लेकिन तुम लोग बी का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो तो अल्टीमेटली मोर कॉस्ट विल बी गोइंग टू बी. नो चलो सुनो, तो 15 लाख का ब्रेकअप कर इन द रेशियो ऑफ 2:3. तो फिर एक जादू बताता हूं उसके बाद. कितना आता बेटा 15 लाख का ब्रेकअप? 6 लाख एंड 9 लाख. मेरे को जरा बोलो, सोच के बोलना. डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट लाने के लिए कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो? क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड प्रोड्यूस. तो करो 6 लाख अपॉन 40,000 15, 9 लाख अपॉन 1 लाख 20, 7.5. अभी तुमको एक चीज समझ में आएगा. देखो, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3. यस, इट इज इन द रेशियो ऑफ 2:3. पर यूनिट कॉस्ट शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो यू ऑल कैन सी दैट पर यूनिट कॉस्ट इज इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो जो उधर लिखा वो इधर भी दिखाई देता है. इज दैट ऑल ओके? चलो आगे. The direct wages for type B shoes were 60% of those of type A shoes. तो अगर A के लिए 100 रुपए का खर्चा होता है, B के लिए 60 रुपीज का खर्चा होता है. ये जो 100:60 है, अभी गलत मत करना प्लीज. मेरे को बोलो वो पर यूनिट रेशो है कि टोटल रेशो है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट है. बस बात खत्म हो गई. ये डायरेक्ट वेजेस है ना, डायरेक्ट वेजेस का डेटा पर यूनिट ही होएगा बेटा. तो यहां पे अभी जरा लिखो डायरेक्ट लेबर ए एंड बी, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट. ये 100 है, ये 60 है. डायरेक्ट लेबर का टोटल तक पहुंचने के लिए क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करते हैं कि क्वांटिटी सोल्ड से? प्रोड्यूस्ड. वो 1:3 था, तो 100:180. इस रेशो के ने डिवाइड करो डायरेक्ट. एक सेकेंड रुक ही जाओ ना. लेट्स फिनिश ऑफ द कॉस्ट एंड देन यू ऑल कैन फिनिश ऑफ ऑल द कैलकुलेशंस तो टुगेदर होनी. देखो ये हो गया डायरेक्ट लेबर. अभी पक्की बात है ओवरहेड्स के लिए ना बोलो तुमको कुछ ना कुछ देगा. उस क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ था. देखो ये लाइन याद आती है कि नहीं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर कंसिडर टू वेरी विद डायरेक्ट वेजेस. लाइन याद आती है? वो ऐसा था ना, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. एक ऐसा लाइन था ना उस क्वेश्चन के अंदर. तो मटेरियल और लेबर के बारे में वो लोग को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ओवरहेड्स के बारे में तो बताएंगे ना. तो देखो इधर क्या लिखा है. प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड्स वॉज सेम. आगे चिल्ला के बोलो वॉज सेम. क्या लिखा है? पर पे. तो उन लोगों ने लिख दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट इज इन द रेशियो ऑफ 1:1. वो सेम बोले तो मतलब इट इज इन द रेशियो ऑफ 1:1. नो, एक सेकेंड. लेकिन 1:1 इज नॉट द फाइनल रेशियो. हा, इन दिस केस फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट का रेशियो कितना है बेटा? 1:1. लिखो. सब लोग मेरे को जरा बोलो, ये जो 3,60,000 रुपए है, इज दिस फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट का टोटल और इज दिस टोटल? टोटल टोटल ना. तो तेरे को इधर से ना टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स तक पहुंचने का है बेटा. तो मेरे को बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ये. फैक्ट्री ओवरहेड्स, इट इज डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड प्रोड्यूस. तो इन टू क्वांटिटी प्रोड्यूस 1:3. तो फाइनल रेशो 1:3. बेटा सम के अंदर ही लिखा था ना, डायरेक्ट वेजेस फॉर टाइप बी शूज वर 60% ऑफ दोज ऑफ टाइप ए शूज. तो अगर इसके लिए 100 लगता है तो टाइप बी के लिए जो है वो 60 लग जाएगा. मेरे को रेशो ही तो चाहिए ना.
आगे। अच्छा देखो एडमिन के लिए लाइन क्या दिया हुआ है, एडमिन ओवरहेड्स आर, सब लोग मेरे साथ पढ़ो, आर कंसिडर टू वेरी विद डायरेक्ट वेजेस। तो जैसे जैसे वेजेस कोई प्रोडक्ट के लिए बढ़ेगा ना, इन लोगों ने लिखा है एडमिन भी बढ़ेगा, बिकॉज एडमिन इज वेरिंग विद डायरेक्ट वेजेस। तो जो रेशो वेजेस का कंप्यूट हुआ ना, सेम रेशो विल अप्लाई टू एडमिन, बिकॉज एडमिन इज डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्ट वेजेस। तो यहां पर एक काम जरा करो, बस इतना ही लिखना, सेम एज डायरेक्ट वेजेस, दैट इज 100:180 था ना, हाँ। सुनो अभी तुमको मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट अपना कैलसी लो, कॉशीट जो है वो खत्म करना स्टार्ट करो, तुम्हारे पास सब चीजों का जो बाइफरकेशन है वो आ चुका है। पांच मिनट दे रहा हूं, खत्म करो ये चीज।
ये वाला 21 जो है वो इधर आ जाएगा, ये वाला 36 इधर आ जाएगा। 21 इंटू 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक 4,20,000, 36 इंटू 4,000 1,44,000, 12,96,000 डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड बेटा, तो 36 ही आएगा, 21 लाख 21 ही आएगा, 33,96,000। क्लोजिंग स्टॉक एक बार चेक कर लेना, 5,64,000। बेटा सेम रेशियो ना, यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर तो लिखा ना 100 और 180 बेटा, उसके अंदर वो ऑलरेडी है ना मल्टीप्लिकेशन 1:3। नहीं बेटा, 25,20,000 माइनस 4,20,000, मैं सीओ जीएस की बात कर रहा हूँ बेटा, बराबर है बेटा, ये 5,50,000 है ना जिन लोगों का हो गया, ठीक, दिस इज योर आंसर। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या लिखा है किधर, ये 4,50,000 ना सर, एक मिनट, 36 इधर कॉपी किया और 4,000 यूनिट हैं क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, सो 36 इंटू 4,000 यूनिट्स 1,44,000, 21 है, 21 कॉपी किया, 20,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है, 21 इंटू 20,000 4,20,000, दोनों को ऐड अप किया, वही किया बेटा जो पहले चार क्वेश्चंस के अंदर किया है, एक भी चीज़ अलग नहीं किया इधर तो, क्योंकि कॉस्ट शीट बनाना तो इधर और इजी है। ये हो गया बेटा, चलो सुनो मैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट्स पढ़ रहा हूं, किसी का वो बच गया तो उसके बाद यू ऑल कैन कंटिन्यू टू डू। डीएम एंड डीएल इंफॉर्मेशन गिवन विल ऑलवेज बी फॉर वन यूनिट अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफाइड। वन थिंग यू ऑल वर वेरी ऑनेस्ट, तुम लोगों को बोला शॉर्ट्स मत देखना तो नहीं देखा, ठीक है, थैंक यू। आगे फॉर ओवरहेड्स दे विल ऑलवेज मेंशन वेदर इंफॉर्मेशन इज पर यूनिट और इन टोटल, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए मेंशन किया ना, इट वॉज सेम पर पेयर। Whenever there are two products, prepare cost sheet in a product wise manner. If in any problem valuation of opening stock of finished goods is not given, not in this question, ठीक है, then assume last year COP to be same as current year COP. ये चीज मैं तुम लोग को बोल देता हूं, देखो अगर इस question के अंदर opening stock का quantity होता है, इस question के अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका अमाउंट नहीं दिया रहता,
देन यू कैन अज्यूम कि लास्ट ईयर भी जो स्टॉक था ना दैट वॉज वैल्यूड एट 36 ओनली, लेकिन वो अजम्पशन बेस्ड आंसर होता तब आपको अजम्पशन लिखना पड़ता। पहले मेरे को जरा बोलो तुमको समझा इस क्वेश्चन के लिए, तो वी डोंट हैव टू वरी ओनली, क्योंकि इस क्वेश्चन के ना ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। मैं किन क्वेश्चन का बात कर रहा हूं जिधर ओपनिंग स्टॉक है लेकिन उनका अमाउंट नहीं दिया हुआ, ठीक है? तो देन यू कैन बी अज्यूमिंग कैट लास्ट ईयर्स कॉस्ट। आगे बोलो तुम लोग। इट इज सेम एज करंट ईयर ओनली। तो अगर सपोज 1000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक होता लेकिन अपने पास अमाउंट नहीं दिया रहता तो मैं ये सोच लेता कि भाई लास्ट ईयर का भी कॉस्ट पर यूनिट कितने का था, 36। ओके, तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऐसा शायद एग्जाम के अंदर कभी कोई क्वेश्चन वो आ जाए जहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट ना हो, तब आप ये वाला अजम्पशन मार सकते हो, ऑल्दो नॉट एप्लीकेबल टू दिस क्वेश्चन। एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड टू वेरी विद डायरेक्ट वेजेस, दे मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये वाला चीज मैंने तुम लोग को भी बोल दिया था, ठीक है? चलो MCQs that we are going to be doing with advanced cost sheet. ये वाला जो अपना चैप्टर था ये बेसिक cost sheet ही था, जब ये advanced cost sheet आएगा तभी देखेंगे, ठीक है? चलिए, तुम्हारा ये वाला चैप्टर हो चुका है। इंश्योर कि आप लोग इसका जो होमवर्क है बराबर से कंप्लीट कर लेना इन अ प्रॉपर वे, ठीक है? सो वील एंड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर नाउ।